माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है और त्रिदेवियों में से एक देवी है। माता लक्ष्मी को धन, संपदा, शांति और समृद्धि की देवी माना जाता है। हम सब यह तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस मनुष्य के सर पर माता लक्ष्मी का हाथ होता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता और उसका जीवन खुशहाल हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार माता लक्ष्मी को 3 वर्ष के लिए एक गरीब के घर नौकरानी बनकर रहना पड़ा था। उस पौराणिक कथा के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। एक बार भगवान विष्णु शेष शैया पर बैठे विचार कर रहे थे कि उन्होंने बहुत समय से पृथ्वी का भ्रमण नहीं किया और ऐसा विचार कर वह शेष शैया से उठ खड़े हुए। भगवान को शेष शैया से उठ खड़ा देख माता लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान विष्णु बोले, हे देवी, बहुत समय से मैंने पृथ्वी का भ्रमण नहीं किया, इसलिए आज मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। माता लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, क्या मैं भी आपके साथ पृथ्वी लोक में चल सकती हूँ? माता के ऐसे वचन सुन भगवान मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, आप भी मेरे साथ पृथ्वी लोक पर जा सकती हो, किंतु एक बात का स्मरण रहे, आपको पृथ्वी लोक पर उत्तर की ओर नहीं देखना है। माता लक्ष्मी ने प्रभु की बात मान ली और वह दोनों आकाश मार्ग से होते हुए पृथ्वी लोक पर आ गए। जब वह पृथ्वी लोक पर पहुंचे, उस समय सूर्य उदय का समय था और पिछली रात को वर्षा होने के कारण पृथ्वी की सुंदरता अपनी चरम सीमा पर थी। माता लक्ष्मी पृथ्वी की सुंदरता को देख मोहित हो गई और भगवान को दिया वचन भूल गई। वचन को भूल माता ने उत्तर दिशा की ओर देखा तो वहां बहुत सुंदर सुंदर फूलों का बगीचा था, जिसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के बहुत सुंदर फूल लगे थे, जिसे देख माता खुद को रोक नहीं पाई और बगीचे में चली गई और एक सुंदर फूल तोड़कर भगवान विष्णु के समक्ष आकर बोली, हे प्रभु, ये देखिए कितना सुंदर फूल है। ऐसा कहकर जब माता ने भगवान की ओर देखा तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। यह देख माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? भगवान विष्णु बोले, देवी, आप पृथ्वी की सुंदरता को देख अपना वचन भूलकर उत्तर दिशा की ओर चली गई और वहां जाकर तुमने बिना किसी से आज्ञा लिए बगीचे से फूल तोड़ लिया, जो कि पाप है। माता लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह भगवान से क्षमा मांगने लगी। भगवान बोले, देवी, आपने पाप किया है, इसलिए आपको 3 वर्ष के लिए उस बगीचे के माली के यहां नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा और उसके पश्चात आप वापस बैकुंठ धाम आ सकती हैं। माता लक्ष्मी ने चुपचाप भगवान विष्णु की बात मान ली और गरीब लड़की का रूप धारण कर माली के घर की ओर चल पड़ी। उधर भगवान विष्णु भी बैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए। उस माली का नाम माधव था। वह बहुत गरीब था और टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी स्त्री, 3 बेटियां और 2 बेटों के साथ रहता था। गरीब होने के कारण उसका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था और उसके पास धन कमाने का एकमात्र साधन वह छोटा सा बगीचा ही था, जिसमें वह दिन रात काम करता और फूलों को बेचकर अपने घर का गुजारा मुश्किल से कर पाता। माता लक्ष्मी गरीब लड़की के रूप में उस माली के पास पहुंची। माली बहुत अच्छा इंसान था
और उस लड़की की ऐसी हालत देख बोला, बेटी तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? तब माता लक्ष्मी गरीब लड़की के रूप में बोली, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा कोई अपना इस दुनिया में नहीं है और मेरे पास तो खाने के लिए खाना व रहने के लिए कोई स्थान भी नहीं है। कृपया आप मुझे अपने घर में आश्रय दे दीजिए, मैं वहां रहकर आपके घर का सारा काम भी कर दिया करूंगी। माली उस गरीब कन्या की बात सुनकर भावुक हो गया और बोला, बेटी हमारे घर का गुजारा तो वैसे ही बहुत मुश्किल से चलता है, हम सब तो रूखी सूखी रोटी खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किंतु यदि तुम हमारी तरह ही रूखी सूखी रोटी खाकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हो तो मैं समझ लूंगा कि मेरी 3 की जगह 4 बेटियां हैं। माता ने माली की बात मान ली और माली की झोपड़ी में प्रवेश कर गई। माली भी अपनी एक नई बेटी को पाकर बहुत प्रसन्न हो गया। माली का पूरा परिवार भी माता को अपने घर के सदस्य की तरह मानने लगा। माता घर का वह बगीचे का काम माली संग करती। माता के माली के घर आने के पश्चात माली की तो मानो किस्मत ही पलट गई। उसकी आय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सर्वप्रथम उसने एक गाय खरीद ली। उसके कुछ समय पश्चात उसने अपना घर भी पक्का बना लिया और धीरे धीरे काफी जमीन भी खरीद ली। माली के मन में यह विचार तो चलता ही रहता था कि जब से मेरी यह मुंह बोली बेटी आई है तब से मेरी किस्मत ही पलट गई है। समय बीतते बीतते 3 वर्ष पूर्ण हो गए और एक दिन जब माली अपने घर वापस आया तो उसने अपने घर के बाहर एक देवी को स्वर्ण आभूषण पहने हुए देखा, जिन्हें देखने के बाद माली आश्चर्यचकित रह गया। थोड़ा ध्यान से देखने के बाद उसने देखा, यह तो उसकी मुंह बोली बेटी है। वह समझ गया कि माता लक्ष्मी उसके घर गरीब कन्या के रूप में रह रही थी। यह सोच उसने अपने सारे परिवार को बाहर बुलाया और रोता हुआ माता के चरणों में गिर गया और बोला, हे माता कृपया मुझ जैसे मूर्ख को क्षमा कर दीजिए, जिसने अज्ञानता से आप जैसी देवी से अपने घर के व बगीचे के सारे काम करवाए। माता मुस्कुराते हुए बोली, माधव तुम बहुत अच्छे और साफ मन के मनुष्य हो, तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के बाद भी तुमने एक गरीब लड़की को आश्रय दिया और उसे अपनी बेटी के समान माना। माधव मैं तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म से बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे घर परिवार में कभी भी सुख शांति व समृद्धि की कमी नहीं रहेगी। ऐसा कहकर माता अपने रथ पर बैठकर भगवान विष्णु के पास बैकुंठ लोक चली गई। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।